अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। पहले जो हमने हमारा फर्स्ट लेक्चर था वो था एक्सरसाइज नंबर 2.3 और 2.6। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि वो अपने बाइंडर्स पे उसके बाकी के क्वेश्चंस भी किए होंगे और आपको समझ भी आई होगी। ठीक है, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं 2.9। ये हमारे अप्रैल के सिलेबस की लास्ट एक्सरसाइज है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच उन्होंने आपको डिफरेंट नंबर्स दिए होंगे और आपने चेक करना है कि वो परफेक्ट क्यूब्स हैं या नहीं हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं क्यूब के बारे में। क्यूब होता है कि ये जो थ्री होता है ना, बेसिकली ये किसी चीज़ के ऊपर भी हो तो आप इसको कहते हो क्यूब। यानी कि लेट्स से टू, तो टू के ऊपर थ्री, इसका मतलब है कि टू का क्यूब है। क्यूब का मतलब होता है किसी भी नंबर को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय टू। जिस तरह स्केयर का मतलब होता था टू टाइम्स, इस तरह क्यूब का मतलब होता है थ्री टाइम्स। तो चले उन्होंने कहा चेक करें कि 512 इज़ अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। ठीक है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज। इसको वही प्रोसीजर जिस तरह स्केयर रूट में किया था, करते जाएंगे जब तक कि वन नहीं आएगा। अभी जितने भी हमारे पास नंबर आ गए हैं, इसको आपने लिख लेना इस तरह से, 512 इक्वल्स टू, ये टू कितने टू हैं, ये नाइन टूज हैं, तो आपने ये लिख लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपने 9 टू लिख लिया। अब आपने पीछे क्या करते थे, आप लोग पेयर्स बनाते थे। यहाँ पे आप लोगों ने 3 3 वाले लेने हैं। ठीक है, पहले 3 2 ले लेंगे, यानी 1 2 3 उनका, फिर अगले 2 1 2 3 3 3 की फॉर्म में लेने हैं। ठीक है, 1 2 3, क्योंकि हम यहाँ पे क्यूब फाइंड कर रहे हैं और क्यूब का मतलब होता है 3। चलिए अब देखेंगे 2 कितने हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब। फिर अगले 2 कितने हैं, 3, तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब। फिर अगला 2 का क्यूब। अब आप देख सकते हो मैं इन सब 2 को इकट्ठा करके क्यूब सब पे इकट्ठा भी लगा सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, सारे 2 अंदर ब्रैकेट के लिखूँगी, 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 2, और उसके ऊपर क्या करूँगी, क्यूब एक ही लगा दूँगी सब के ऊपर। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 इज़ 4 4 2 इज़ 8, तो 8 के ऊपर क्यूब वैसे का वैसे। अगर तो आपके पास कोई भी नंबर आता है और उसके ऊपर यूँ क्यूब बन जाता है, तो इसका मतलब है वो परफेक्ट क्यूब है। और अगर नहीं बनता, यानी कि क्यूब नहीं बनता, क्यूब के अलावा कुछ बन जाता है, यानी स्केयर बन जाता है या 2 बन जाता है, 1 बन जाता है, कुछ भी बन जाता है, तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। इस केस में हमारे पास 8 के ऊपर क्यूब आ गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है दिस इज़ अ परफेक्ट क्यूब। इसी तरह आपने इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी चेक करने हैं और अपने बाइंडर्स पे इसको प्रैक्टिस करनी है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। क्यूब रूट्स का मतलब है, क्यूब का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि पावर 3, और क्यूब रूट का मतलब क्या होगा, क्यूब रूट को इस तरह से लिखते हैं जिस तरह स्क्वायर रूट लिखते थे यूं, उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं लगाते थे, क्यूब रूट के ऊपर आप छोटा सा 3 लगाते हैं बाहर। ठीक है, और ये इक्वल होता है 1/3 के, और स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता था, 1/2 के। क्यूब रूट किसके इक्वल होता है, 1/3 के, और इसको शो किससे करते हैं, यूं लगा कर और छोटा सा 3 बनाते हैं बाहर। चलें जी, अब 729 है, इसको सॉल्व करते हैं। 729 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें जिस तरह पहले की थी, तो यह क्या आ जाएगा, 3 2 6, और ये 1 उधर चला जाएगा, 3 4 12, एंड 3 3 9। इसी तरह आप इसको करते जाएंगे जब तक कि 1 नहीं आएगा। अब आप लिख लें 729 इज इक्वल टू, जितने भी आपके पास यहाँ फैक्टर्स बने हैं वो सारे लिखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने आपको बताया था हम क्यूब्स फाइंड कर रहे हैं, तो क्यूब्स फाइंड करने के लिए हम ऊपर उसको 3 की फॉर्म में लाइंस लगाएंगे। तो पहले 3 के ऊपर लाइन, यानी इसको बार लगा देंगे, फिर अगले 3 पे। तो अब देखिए, अब दोनों पे हमने दोनों साइड पे बोथ साइड्स पे क्यूब रूट ले लेंगे। अभी मैंने आपको बताया था क्यूब रूट क्या होता है, ये वाला, तो मैंने इधर भी ले लिया और इस साइड पे भी ले लिया। अब आप देखें यहाँ पे कितने 3s हैं, 1 2 3 3 का क्यूब, इधर देखें 1 2 3 3 का क्यूब, और क्यूब रूट वैसे का वैसे। अब आपने क्यूब रूट दोनों पे अलग अलग लगा देना है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम स्केयर रूट अलग अलग करते थे ना स्केयर्स के ऊपर, इसी तरह यहाँ पे आपने क्यूब रूट अलग अलग कर देना है, पहले 3 के क्यूब के ऊपर। अभी मैंने आपको बताया था क्यूब रूट किसके इक्वल होता है, 1/3, तो यानी कि ऊपर 1/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय अगला 3 का क्यूब, उस पर भी क्या आ जाएगा, 1/3। आप देख सकते हो 3 कैंसिल हो जाएगा 1/3 से, इसी तरह इधर भी, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे भी बचेगा 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 9। इसका आंसर लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 729 इक्वल्स टू 9, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये बहुत बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है, इसके 3 to 4 पार्ट्स हैं। उसमें से आपने ऑड नंबर्स वाले कर लेने हैं अपने बाइंडर्स पे, और आपने करके मुझे अपनी प्रैक्टिस जो है वो शेयर भी करनी है। ठीक है, चलें जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द क्यूब्स।
पीछे भी हमने क्यू फाइंड किया है, यहाँ भी फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल वाला नंबर है यानी कि 0.8। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि क्यूब का मतलब होता है किसी भी नंबर को 3 times मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे 0.8 का क्यूब, और क्यूब का मतलब मैंने क्या बताया, उसको 3 times मल्टीप्लाई करना। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.8। तो चलिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ किया है 0.8 मल्टीप्लाई बाई 0.8, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 0.64। ये अपने रफ में कर लेना है, ठीक है। तो ये 0.64 आ गया। अभी एक 0.8 ऊपर रह गया तो उसको वैसे का वैसे लिख लेंगे। चले अब उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0.64 मल्टीप्लाई बाई 0.8 यहाँ देखिए मैंने किया है तो वो मेरे पास आया 0.512। तो 0.8 के क्यूब का आंसर क्या आता है, 0.512। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। चले अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है, इसमें भी हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं बिल्कुल जिस तरह पीछे किए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो फ्रैक्शन वाला है। तो ये बिल्कुल बहुत ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ऊपर वाले की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये देखिए मैंने 27 की है, 3 9s are 27, देन 3 3s are 9, 3 1s are 3। फिर नीचे वाले की करेंगे 216, ये 216 की भी मैंने की है, 2 1s are 2 और 0 लगाएंगे क्योंकि अगला जो नंबर है वो हम पूरा का पूरा नीचे उतार रहे हैं तो इस तरह बीच में 0 लगा देंगे। तो 2 8s are 16 और करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास 1 नहीं आएगा। तो लिख लें पहले 27 के फैक्टर्स क्या हैं, 3 3 and 3, और 216 के क्या थे, 2 2 2 3 3 and 3। चले अब मैंने क्या किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, दोनों साइड पर हम क्यूब रूट्स लेंगे, इधर भी और इधर भी क्यूब रूट्स लेंगे और ऊपर उनके 3 3 की फॉर्म्स वाले यहाँ पे बना देंगे, ट्रिपलेट्स बना देंगे। तो पहले इन 3 के ऊपर लाइन लगाएंगे, ये कितने 3 हैं, 1 2 3। इसी तरह पहले नीचे 3 2 देखेंगे कितने कौन कौन से हैं, 1 2 3, ये 3 2 हो गए हैं, इनके ऊपर लगा देंगे लाइन। फिर अगले देखेंगे 1 2 3 और इनके ऊपर लाइन लगा देंगे। चलिए जी अब देखें ये कितने 3 थे, 1 2 3, तो 3 का क्या बन जाएगा, क्यूब। इसी तरह 2 कितने थे, 3, तो 2 का बन जाएगा क्यूब, और 3 कितने थे, 3 का क्यूब। चलें जी अब क्या करेंगे, मैंने आपको पीछे बताया था क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, ये होता है क्यूब रूट, ठीक है। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये जो ऊपर लगी हुई है ना साइन सा, इसको हम कहते हैं क्यूब रूट। चलें अब क्यूब रूट सब पे अलग अलग ले लेंगे, पहले 3 का क्यूब, उसके ऊपर पावर 1/3, फिर 2 पे और फिर 3 पे। अब आप देख सकते हो ये 3 मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड, ये कैंसिल, इसी तरह ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ऊपर क्या बच गया, 3, नीचे क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप देख सकते हो ये जो 3 है नीचे भी 3 है, तो उससे क्या ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला उससे डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ऊपर क्या बच गया, ये 3 कैंसिल कैसे हुआ, 3 1s are 3, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया, 1, और नीचे क्या बचा, 2, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 2। तो आंसर आ गया 1/2। तो ये हम कैसे लिखेंगे इसको, क्यूब रूट ऑफ 27/216 इज इक्वल टू 1/2। चलिए ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने अपने बाइंडर्स पे करने हैं, ठीक है, और इसको आपने अच्छे से करना है। जहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आपने वीडियो दोबारा देखनी है और इसको कंटिन्यू करना है। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ़।